श्री न्यूज के साथ मैं हूँ रूहानी। यहाँ पर लोगों का गुस्सा आपको दिखाना चाहूंगी। एक बच्चा है 9वीं कक्षा का जो आज हमारे बीच नहीं है, उसका शव जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। शत विशत जो था शव हो गया, बच्चा जो था वो लापता हो गया। और जब पुलिस में कंप्लेंट करवाई गई उसके बाद डॉग स्क्वाड के जरिए बच्चे का शव जो है वो बरामद किया जाता है। यहाँ पर लोगों में देख सकते हैं आप किस प्रकार गुस्सा है, किस प्रकार गुस्सा जो है वो फूटा है लोगों में। नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर। सड़क पर रखते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें जो मैं आपको सतवारी से दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये तमाम लोग। हालांकि प्रशासन जो है इनको शांत कराने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और शत विशत कर दिया गया शायद। पहचान कर पाना भी मुश्किल था, लेकिन आप देख सकते हैं लोग उग्र यहाँ पर हो चुके हैं। गुस्सा जो है यहाँ पर होता है सतवारी से आपको हम बच्चे में और बिहार में
दो तरीकों से मारा, उसको चकले पे जाने जा सकते हैं। आप चक देखिए, परिवार के साथ हम देव हमसे खड़े हैं और परिवार की चिंताओं को हमने पहले दिन से समझा है, लेकिन हमें अफसोस है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए। अगर कहीं शुरू से ऐसे कुछ संकेत लगते हैं कि बच्चे का कत्ल भी हो सकता है तो हम ये हरकत नहीं होने देते थे। हमें यही था कि दोस्तों के बीच में कहीं गया है, लेकिन दोस्त सालिम निकले और उन्होंने, मेरे को लग रहा है जिस दिन बच्चा गुम हुआ है 3-4 घंटे के अंदर ही बच्चे का कत्ल कर दिया था। बॉडी की स्थिति देख के लगती आप दिलवाएंगे, बच्चे की माँ पिता का बाहर दे सकते हैं, उसका पिता जो है हैंडीकैप है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, हम एडमिनिस्ट्रेशन इनके घर जाएगी और पूरा इनको हम कंपनसेट दिलाएंगे। जिन जालिमों ने ये हरकत की है तय तक जाया जाएगा, कौन कौन उसके पीछे है, किसने ये गेम करी है और सब पे कार्रवाई होगी। बच्चे की हत्या हो, बिल्कुल बिल्कुल मासूम बच्चे की हत्या है, ये दोबारा ऐसी हत्या ना हो उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट भी अलर्ट है और जो लोग जिन पे शक शुबा है उन पे कार्रवाई होगी। कानून पहले ही खड़े हैं, कानून पहले भी कमजोर नहीं है, लेकिन अब 14 साल का बच्चा था और जिनके साथ गया था वो भी नाबालिग थे, तो इतनी घिनौनी हरकत करेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा। तमाम स्थानीय लोग ये जो रास्ता आगे को जाता है अभी रास्ता रोक दिया गया है। कारण है एक 9वीं कक्षा के छात्र की निर्मम हत्या और तमाम लोग ये चाहते हैं कि उस बच्चे को इंसाफ मिले। हालांकि इनका कहना है बच्चा नाबालिग था, 9वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन ये तमाम लोग जो है इंसाफ की मांग जो है वो कर रहे हैं। ये समझाने का पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये परिवार के आंसू है यहाँ पर। डीसी ऐसे बनाया था, सानू डीसी ने नहीं बनाया। कल कह चाहते कि एक बच्चा और मरी है, पांच दिन मुड़े लाश मार रही है, छेवें दिन भी सोचो सोचो मुंशी पैर खाई है लाश मार है मुंशी के पिछू घर के पिछू एविडेंस मिला, मोबाइल मिला, फोन मिला, बच्चे का फोन मिला, उनके कोटा का मुंशी का फोन मिला, प्रेजेंट प्रेजेंट का दिला मुंशी ने रिश्वत को चुकी, बकरी छोड़े बच्चा मराए लिया, ओए के बच्चा मराए यहाँ पर भीड़ जो है काफी गुस्से में है। जम्मू के सतवारी से आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, एक बच्चे का अपहरण होता है, उसके बाद जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। देखिए प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग एक ही है कि जो हमारा बेटा हमने खोया है उसे इंसाफ दिलाई है, शव को इसी प्रकार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है।